तकड़ी खेड खेडी जा रही है खेड के मैदान के एडू वड्डा दुख नी गभरू पुत जलोफर हो जाए एडू वड्डा दुख नी गभरू पुत जलोफर हो जाए नहीं चलती फिर गड्डी बिगड़ के सड़क विचारे खलो गए मूह फड़ू दस की एक दिन लख सुना सिर ते कर जाती मटियार होवे नींद ना आउंदी सिर ते कर जाती मटियार होवे नींद ना आउंदी इधरले पासे मचाकी वाले बब्बू ने कर दिता गड्डा डेंगा ते पॉइंट अपनी टीम दे लई जोड़िया अगले मैच दीआं टीमां नूं मैं कॉल करांगा करम सिंह क्लब इंदगढ़ वर्सेज जनेतपुरे दा मुकाबला खेडिया जाना है यह टीमां जल्दी दे नाल फिर मैदान दे लागे आ जाण क्लब इंदगढ़ वर्सेज जनेतपुरे का मुकाबला होना है दोनों टीमां वेटिंग रूम के पुजिया ने बड़ा धन्यवाद होगा हां जी इस मैच के बाद कबड्डी ओपन दी टाइया जिहड़ियां पाउण जा रहे ने साडे प्रबंधक वीर एक एक खिडारी सारिया टीमों का पुजिया वे तिना टीमों बाई दी तो बाकी जरा मैच करवाया जाएगा साढ़े प्रबंधक भी आख रहे हैं एक जरा मैच करवाया जाएगा तिना टीमों बाई दी जाएगी एक एक खिडारी सारिया टीमों का पुज जाए लाओ इधरले पासे गभरू खेड के मैदान में मेरे विरे झंडा वाला बिंदू क्या दी धरती का बद कबड्डी पाँदा होया उधरले पासे बाजा रोटिया वाला लग्या टिके कितने पाकिस्तान की धरती से आ गभरू ने कहते बल्ले बल्ले करवाई लाओ चलता होया मैच समाप्त हो चुका है बसो राजा जी कि टीम जीत चुकी है इस मुकाबले मचाकी मल सिंह की टीम जेतू करो जी मचाकी मल सिंह की टीम जीत चुकी है इस मुकाबले करम सिंह क्लब इंदगढ़ वर्सेज जनेतपुरा ये टीम जल्दी के नाल खेड मैदान पुजियां करम सिंह क्लब इंदगढ़ वर्सेज जनेतपुरे का मुकाबला आप तकना है जल्दी के नाल दोहे टीम खेड मैदान पुजियां सोहने मैच खेडे जा रहे ने अज पिंड पक्षी कलां की धरती से बच्चा बच्चा बधाई का पात्र है मेरे वीरो अज इस नगर का नगर निवासियों के सहयोग के नाल इलाका निवासियों के सहयोग के नाल एनआरआई भरावां दी वड्डी देन है इस चल रही खेडां दे लई मैच आप तकना है इंदगढ़ वर्सेज जनेतपुरे दीआं टीमां दे दरमियान करम सिंह क्लब इंदगढ़ वर्सेज जनेतपुरे दीआं टीमां दे दरमियान जिहड़ा मुकाबला शुरू होण जा रहा है मैं बेनती करा कबड्डी ओपन के खिलाड़ियों को प्रबंधक भी टाइयां पहुंचा रहे हैं जल्दी के नाल इक खिलाड़ी जिहड़ा उत्थे जाके संपर्क कर लवे प्रबंधक वीरां दे नाल बाद दे विच कोई भी खिलाड़ी इतराज ना करे नाल ही मेरी बेनती है प्रबंधक वीरां नूं ऑफिशियल वीर चाह की मांग कर रहे हैं साडे ऑफिशियलां दे लई चाह का जिहड़ा प्रबंध किया जाए बड़ा धन्यवाद होगा समुची टूरनामेंट प्रबंधक कमेटी का इंदगढ़ वर्सेज जनेतपुरे का मुकाबला नाल ही मूह स्प्रे जल्दी दे नाल खेड मैदान दे विच पहुंची कर दी जाए मूह स्प्रे लाओ खेड के मैदान में बड़ा सख्त मुकाबला मेरे वीरो खेड मैदान शुरू हो जा रहा है इंदगढ़ की टीम खेड रही है बाबा जी की जगह वाले पासे
दूसरे पास टीम खेड रही है जनेतपुरा। लो पहली कबड्डी गुरी घुलेर वाले ने पाई है खेड मैदान के विच। उधरले पासे देखते हैं जनेतपुरे वाले मेरे उधर चार जाफी ने। लो केड़ा जाफी ट्राई करदा। लो पहले डेढ़ अंक का वादा गुरी ने अपनी टीम के लिए किया। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗਨੇ ਪੱਪੂ ਗਿੱਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੂਵ ਸਪਰੇ ਸੀ। ਪਲੀਜ਼ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਟਾਟਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੌਲਤਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਜਨੇਤਪੁਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲ ਭਾਵੇ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਇੱਕ ਕੰਨੀ ਤੇ ਇੰਦਗੜ ਦਾ ਬਗੀਚਾ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿੱਲ, ਇਹ ਚਿੱਟੀ ਨਿੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਟਾਕੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਦੇਖਦੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਫੀ ਕਰਦਾ ਟਰਾਈ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਗੀਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਜਾਫੀ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਗੜ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬਿਰਾਂਦਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ 22,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦਾ। ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਬਿਰਾਂਦਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ 22,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਰਾ 3100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਨੂ ਹਲਵਾਈ ਪਲੱਸ, ਵਿੱਕੀ ਟੇਲਰ ਪਲੱਸ, ਸੰਦੀਪ ਹਾਊਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 8,000 ਰੁਪਏ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਰਾ ਉਰਫ ਪੱਪਾ ਸਮਰਾ ਜੀ 3100 ਰੁਪਏ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਨਾਇਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਓ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੈਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਓ ਗੁਰੀ ਢਲੇਰ ਵਾਲਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦ ਕੌਂਦੀਆਂ ਗਲਾਸੀ ਮੁੱਲ ਉਹਦਾ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੜੀ ਲਚਾਰ ਕੌਂਦੀ, ਫਿੱਡੂ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਪਾਈ, ਪਾਲ ਪੋਸਟ ਤੇ ਕੀਤੀ ਮਟਿਆਰ ਕੌਂਦੀ, ਜਦ ਖਾਂਬੇ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਪੱਬਾ ਭਾਰ, ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਕਬੱਡੀ, ਰਾਜ ਲਹਿੜੀ ਦੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਝੁਲਗੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਕੌਂਦੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਝੁਲਗੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਕੌਂਦੀ। ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਲੂਰ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟਾਈਆਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਚੋਲਾ ਤੇ ਪਲੂਰ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਲੂਰ ਬਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਲੂਰ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣ। ਲਓ ਟਾਕਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਉਧਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਇੰਦਗੜ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਜਾਫੀ ਬਾਅਦ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਓ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਦਗੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਗਿੱਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੂਸ ਉੱਤੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੋਲੂ ਗੰਗੜੇ ਵਾਲਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ। 6 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਜੇਤੂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਵੱਧ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖੇਡ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਕਬੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਖੇਡੀ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਪੂਰਾ ਤਾਨ ਮਿੱਤਰੋ। ਕੌਡੀ ਭੰਗੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਛਾਨ ਮਿੱਤਰੋ, ਕੌਡੀ ਭੰਗੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਛਾਨ ਮਿੱਤਰੋ। ਲਓ ਗੋਲੂ ਗੰਗੜੇ ਵਾਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਬੱਡੀ, ਆਓ ਆ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਦਗੜ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇਸ ਤੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋਹਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ ਧੰਨਪਾਤ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ 2100 ਰੁਪਏ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰੱਖੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਾਨ ਯੋਗ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ASI ਸਦਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਿੱਤਰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਲੂਰ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ। ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਸਜ ਭਲੂਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਓ ਗੁਰੀ ਭਲੇਰ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਧਰ 2 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਅੜਿੰਗ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਲਓ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਫੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ। ਸੋਹਣਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
खेड के मैदान एक पासे रैफरशिप दीआं सेवावां केवल भाऊ जैतों वाला अपने समय के तकड़ी कबड्डी खेडी है, उधरले पासे इंदगढ़ के बगीचे ने कराती है बल्ले बल्ले खेड के मैदान एक मशहूर तो बगीचे अंत करता राह बंद कर देंगे रेडर मशहूर का। वाकई मेरे वीरे एवें नहीं गल कबड्डी के खिलाड़ियों से सोहनी खेड का मालिक अगली कबड्डी खेड के मैदान लो देखते हैं गोलू गगड़े वाला इस समय कबड्डी पा रहा है। एन कहते भी गभरू का कला कला मसल गवाही भरता है किन्नी मेहनत मशक्कत होगी इस कबड्डी के खिलाड़ी की। आओ हल्का जा टच किया पॉइंट का वाधा अपनी टीम के लिए किया। चोला साहब भलूर यह टीम अपने आप को बिल्कुल खेड मैदान के लागे लाए हैं। इस तो अगला मैच होना है चोला साहब वर्सेज भलूर दीमों के दरमियान। लो इधरले पासे गभरू खेड के मैदान कबड्डी पा रहा है। लो इधरले पासे पाई हुई कबड्डी जनेतपुरे वाले नौजवान की, उधरले पासे इंदगढ़ वाला गभरू करता ट्राई ते पॉइंट जनेतपुरे की टीम के हिस्से जुड़ता हुआ। चल भी गोलू गगड़े वाले पागली कबड्डी खेड के मैदान में। कहते शौक का ना कोई मुल हों ना ही सोच न खंभा की लड़ पी ना ही शौक का मुल हों ना ही सोच न खंभा की लड़ पी कई वार दवाई भी कम करती चुटकी सुबह की जिंदगी मोड़ दी। मखन बराड़ नहीं डरता दुश्मनों से पर झिड़क यार की रत्न तोड़ दी झिड़क यार की रत्न तोड़ दी। लो चलता हुआ मैच समाप्त हो चुका। दसी राजे भी कि टीम जित चुकी है इंदगढ़ की टीम इस मुकाबले जित चुकी है। नोट कर ले जी इंदगढ़ की टीम जित चुकी है। चोला साहब से भलूर यह टीम खेल मैदान पुजियां नाल ही अमन की दबड़ी खाने वाला भी जल्दी के खेल मैदान के वाला बड़ा धन्यवाद करा नाल ही अगलिया सेवावान देवेगा माइक से अमन मलन। उस तो पहला साढ़े बहुत ही सत्कार के योग ने बाबा शिंदर सिंह जी हरदासे वाले बाबा सोहन सिंह जी जे सुबह से लैके सेवा कर रहे हैं जिन्होंने मेरे मेरे लंडे क्या कबड्डी कप से मोटरसाइकिल के नाल बड़ा मान सम्मान दिता गया। अगलिया सेवावान देवेगा अमना मलना वाला। उस तो पहला बाबा जी एक शेर दर्शकों के नाल जरा रूबरू करेंगे। वाहेगुरु 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 जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। असी उन्हां शहीदां दी गल कर लगे हां नन्ने मुन्ने बच्चे जिहड़े नीयां दे चले गए जी उन्हां दी शहीदां नूं लगे गल कर लो। चन टेक बहादुर दे अड़ियो गुजरी मां दे पोते चन टेक बहादुर दे अड़ियो गुजरी मां दे पोते पुत गुरु गोबिंद सिंह दे मैं वेखे नीयां विच खलोते पुत गुरु गोबिंद सिंह दे मैं वेखे नीयां विच खलोते तन अंबड़ी जिन्हें कुखों जाए तन अंबड़ी जिने कुखों जाए हंस बिछड़ के किकू आए ओ किवें जिउंदी होऊ होण के जिस नानी दे दोते ओ किवें जिउंदी होऊ होण के जिस नानी दे दोते पुत गुरु गोबिंद सिंह दे मैं वेखे नीयां विच खलोते पुत गुरु गोबिंद सिंह दे मैं वेखे नीयां विच खलोते। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हेलो वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। बड़िया रौनक बहारा लगी अज पिंड पक्षी कलां की धरती से दर्शक वीरियो बड़े सोहने मैच खेडे जा रहे है खेड के मैदान कबड्डी ओपन भार वर्ग के उच्च कोटी दी टीम जिहड़ियां पुज्जियां होईयां हुण जिहड़ा मैच खेडिया जाएगा चोला साहब ते भलूर भलूर की टीम जिहड़ी ग्राउंड दे विच पुज गई है। चोला साहब की टीम नूं बेनती है भी जल्दी तो जल्दी ग्राउंड दे विच पुज जावे नाल ही मैं बेनती करदा सैमीफाइनल मैचां दीआं टाइयां कढ़ियां जा रही है एक एक प्लेयर जिहड़ा एंट्री काउंटर कोले पुज जावे टाइयां कढ़ियां जा रही है सैमीफाइनल सेमीफाइनल मुकाबले दी टाइयां कढ़ियां जा रही हैं। एक एक खिलाड़ी जिहड़ा स्टेज दे कोले पुज जावे चोला साहब की टीम नूं बेनती है भी जल्दी ग्राउंड दे विच आवे। भलूर दी
ग्राउंड दे विच पुज गई है। चोला साहब की टीम नूं बेनती है भी जल्दी ग्राउंड दे विच आवे, जिथे भी आवाज सुनते हैं खिलाड़ी वीर बेनती है भी जल्दी जिहड़ियां ग्राउंड दे विच पुज जाणा। समा बहुत हो चुका है, मैच बहुत ज्यादा पए है, इस करके बेनती है खिलाड़ी वीरां नूं जिथे भी आवाज नूं सुनते हैं जल्दी ग्राउंड दे विच आ जाणा। चोला साहब की टीम जिथे भी आवाज सुनती है जल्दी ग्राउंड दे विच आवे, उत्थे धन्नवाद करते हैं स्पोर्ट्स वाले वीर का, क्लब वाले वीर का, सारे दर्शक वीर का, जिन्हें भी दर्शक वीर मैचों का आनंद मा रहे हैं। अज मेरे भीर वधिया रौनकां लगियां इस नगर के उत्ते। चोला साहब की टीम जिथे भी आवाज सुनती है जल्दी ग्राउंड दे विच आवे। चोला साहब एक मिनट की लास्ट कॉल है, चोला साहब की टीम नू एक मिनट की लास्ट कॉल है, नहीं तो टीम जिहड़ी कट्टी जाएगी। ये जल्दी ग्राउंड दे विच आवे चोला साहब की टीम जिथे भी आवाज सुनती है। बेनती है खिलाड़ियों अगे हथ बन के भी जल्दी ग्राउंड दे विच आ जाना। चोला साहब से खिलाड़ी जिथे भी आवाज सुनते हैं काफी आवाजा मार दिती है, खिलाड़ी वीर बेनती है भी जल्दी ग्राउंड दे विच आ जाना, हथ बन के बेनती है। चोला साहब से खिलाड़ी जल्दी ग्राउंड दे विच आ जाना, हाथ खड़ा करो जिथे भी आ रहे हैं चोला साहब के खिलाड़ी। हेलो हेलो, तन्ना पक्षी वाला स्टेज को पहुंचे, तन्ना पक्षी वाला। चोला साहब की टीम ध्यान देवे, जे एक मिनट के नहीं आती तो पलूर जेतूगा। चोला साहब की टीम जे एक मिनट के ग्राउंड नहीं आती पलूर जेतू होगी। जल्दी के नाल चोला साहब के खिलाड़ी ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे। चोला साहब बग्गू रोमाणा वर्सेज मचाकी मल सिंह का पहला सैमीफाइनल मैच आ। इस मुकाबले की जेतू टीम इंदगढ़ के नाल सैकंड सैमीफाइनल मुकाबला खेलेगी। जल्दी के नाल जिहड़ियां बग्गू रोमाणा वर्सेज मचाकी मल सिंह दोनों टीमें जिहड़ियां जल्दी खेल ग्राउंड के लागे पुजे ने। आज ये मैच पलूर वर्सेज चोला साहब की टीम का, दोनों टीमों के विचकार एक क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच की जेतू टीम सैकंड सैमीफाइनल मुकाबला खेलेगी इंदगढ़ की टीम के नाल। पहला सैमीफाइनल मैच जिहड़ा इस मैच तो बाद होगा, बग्गू रोमाणा वर्सेज मचाकी मल सिंह दीआं टीमां दे विचकार पहला सैमीफाइनल मुकाबला खेला जाना। उधर सरदार गुरदत्त सिंह जी सरपंच साहब वड्डे मान जिहड़े आखदे भी पहली रेड के उपर एक सौ रुपए का नोट जिहड़ा उन्हां दी तरफों लग्या होया, सरदार गुरदत्त सिंह जी सरपंच साहब उन्हां वल्लों वड्डा मान सन्मान है, पहली रेड के उपर एक सौ का नोट होगा। बंटी शर्मा स्टेज उपर पहुंचे, उधर टीमों को किराया देना, बंटी शर्मा स्टेज उपर पहुंचे। पलूर का जेड़ा जाफी लगातार दो जफे लावेगा, एक हजार रुपया उस जाफी के लिए। गुरदेव सिंह जी आखते भी जेड़ा जाफी दो जफे लगातार लावेगा पलूर का, उसके लिए एक हजार रुपया आएगा। क्वार्टर फाइनल मैच की पहली कबड्डी कहते भी वैरोका वाले काले ने पा दी आ।
ਦੋਦੇ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲਾ ਆਖਣਾ ਵੀ ਅਮਨਦੀਪ ਘੋੜਾ ਜਿੰਨੇ ਜਫੇ ਰਾਵੇਗਾ ਉਹਨੇ 100 ਦੇ ਨੋਟ ਹੋਣਗੇ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਤੋਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੀ ਵੀਰੋ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੈਰੋਕਾ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਫੀ ਦੇਸੇ, ਅੰਕ ਤੋਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋੜਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਰੇਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੀ ਸਫਲਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲਾ ਧਾਵਾ। ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਗ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਵਧਿਆ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਦੇ ਵੀ 2 ਜਫੇ ਤੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੀ ਵੀਰੋ। ਬੁਗਣਾ ਗਿੱਲ ਆਖਦਾ ਵੀ 2 ਜਫੇ ਤੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਧਨੂਰ ਵਾਲੇ ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਕਾਕੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਾਕਾ, ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ। ਉਧਰ ਦੋਦੇ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲਾ ਆਖਦਾ ਵੀ ਘੋੜਾ ਜਿੰਨੇ ਜਫੇ ਲਾਊ ਉਹਨੇ 100 ਦੇ ਨੋਟ ਪਾਊਗਾ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੋਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅਮਨਦੀਪ ਘੋੜਾ ਲਾ ਦਿਫਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ। ਚੱਲ ਵੀ ਗੱਭਰੂ ਪਾ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਲਾ। ਉਧਰ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਰੇਟ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਤੋਤੇ ਦੇ ਲਈ। ਚੱਲ ਵੀ ਗੱਭਰੂ ਪਾ ਵੀ ਕਬੱਡੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਲੂਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀਪਾ ਵੱਧ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਵੱਧਣੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਇੱਧਰ ਹੈਪੀ ਤੇ ਕੀਪੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਮੇਰੀ ਦੋ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪੁੱਤ ਬਰਾਣਾ ਦੇ ਜੀ ਦਾ ਖਾਨਾ ਦਾਦੋ ਕਹੇਗਾ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਜਵਾਨਾ। ਬਾਘਾ ਮਲਕਿਆਂ ਦਾ ਜੱਫੇ ਲਾਉਂਦਾ ਗਰਮੀ ਖਾ ਕੇ, ਆ ਸਿੰਘ ਫਸ ਕੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾ ਬਹਿ ਜਾ ਗੁੱਡੀ ਲਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਫਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਖੀ ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀਪਾ ਭਲੂਰ ਦਾ ਵੱਲ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਵੀਰੋ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਜੀਤ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦਾ ਗੁਰਜੀਤ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦਾ ਵਾਧਾ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਖੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਵੀਰੋ ਮਚਾਕੀ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਮਚਾਕੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਵੀਰੋ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਚਾਕੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਰੈਫਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਲੋਖੇਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਰੋਕਾ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਪੀ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਉੱਧਰ ਕੇਵਲ ਭਾਊ ਆਖਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦਾ ਵੈਰੋਕਾ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਨੇ ਅੰਕ ਭਲੂਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਭਲੂਰ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਮੇਰੀ ਵੀਰੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰਾਈਆਂ ਦੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣੀ, ਕਰਮਪਾਲ ਲੰਡੇ ਹੁਣੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਵੀਰੋ ਜਗਰਾਜ ਮਾਲਾ, ਲਓ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਤਰ ਮੰਡਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਹੋਏ। ਲਓ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਰੇਡ ਕਾਕਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅਰਸ਼ ਚੋਲੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਮਨ ਚੋਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਬਸੰਤ ਭਲੂਰ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਵੀਰੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਲਾ ਵੀ ਬੱਜੀ ਸੀ ਕੈਂਚੀ, ਹੰਦੇ ਦੂਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁੱਟ ਫੜ ਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਫੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਸੰਤ ਭਲੂਰ ਵਾਲਾ ਅੰਕ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜਦਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ 2 ਜਫੇ ਲਾਉਣਗੇ ਮੇਰੀ ਵੀਰੋ ਭਲੂਰ ਵਾਲੇ ਔਰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਬੁਗਣਾ ਗਿੱਲ ਆਖਦਾ ਵੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਭਲੂਰ ਵਾਲੇ ਜਾਫੀ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਜਫੇ ਲਾਉਣਗੇ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਲੈ ਵੀ ਕੀਪਾ ਪਰ ਕੇਵਲ ਭਾਊ ਆਖਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦਾ ਭਲੂਰ ਵਾਲਾ ਕੀਪਾ ਅੰਕ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜਦਾ। ਡੱਗੂ ਰਮਾਣਾ ਵਰਸਿਜ ਮਚਾਕੀ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਦੀ ਜਲਦੀ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਡੱਗੂ ਰਮਾਣਾ ਵਰਸਿਜ ਮਚਾਕੀ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਲਓ ਆ ਗਏ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਯਾਰ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਡੀਆਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਆਂ, ਲੱਗੂਗਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਜੋਰ ਚੁੱਕੀ ਅੱਡੀ ਦਾ ਕਾਢੀ ਤਹੀਰਾ ਬਣਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਢੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਡਾਲਰਾਂ ਤੇ ਪਾਉਂਡਾਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਖੇਡ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਲਓ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਵੈਰੋਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮੇਰੀ ਵੀਰੋ ਨੰਜੀ ਵੈਰੋਕਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਰਾਈ ਕੋਲੋਂ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਮਰ ਜਾਣੇ ਮਨਕ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦਾ ਖਿੰਡ ਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਵੀ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖ ਨਾ ਚਨਾਬ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਚੰਨ ਮਾਮਾ ਹੱਸੀ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਸੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੋਈ ਚੂੜੇ ਵਾਲੀ ਨੱਪੀ ਜਾਵੇ, ਮੱਖਣ ਬਰਾੜਾ ਖੁੱਲੀ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਗੁਰਜੀਤ ਉੱਤੇ ਥਾਪੀ, ਚਾਰੇ ਜਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਲਓ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਚਾਰੇ ਜਾਫੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਛਾਣ ਹਟਦੇ ਹੋਏ ਭਲੂਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ। ਲਓ ਕੀਤੇ ਹੁਣੀ ਤੋਤੇ ਹੁਣੀ, ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਸੰਤ ਅਮਨਦੀਪ ਦੋਦੇ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ, ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜਾਫੀ ਹੁਣ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਬਲ ਰੱਖਦਾ।
अमनदीप घोड़े ने की ट्राई मेरी वीरो ला दूसरा टच ते जे जफा लग गया मेरी वीरो ते 1000 रुपया आवेगा अमनदीप दे लई 1000 रुपया लाओ 1000 बुगना गेला आखद भी 1000 रुपया सजाती दे लई भलोर की टीम के लिए कहते अज वड्डियां जिम्मेवारियां निभांदा होया खेड़ मैदान देखना भी इसलिए पाई थी कबड्डी होटल मास्टर आत्मा सिंह जी और मास्टर बलविंदर सिंह जी पिपली उन्होंने सुपुत्र रुपिंदर बंटू साडा वीर एसओआई मोगा के प्रधान आखते हैं भी अगले मैच शरदा बग्गू रमाने वाला जिन्हें भी जफे लावेगा कहने भी हर एक जफे से एक एक 100 रुपए का वाडा मान करांगे उस नवजन खिलाड़ी का वाडा धन्यवाद है मास्टर आत्मा सिंह जी मास्टर बलविंदर सिंह जी पिपली और उन्होंने सुपुत्र साढ़े वीर रुपिंदर साढ़ा वीर बंटू एसओआई मोगा के प्रधान और साढ़ा बहुत ही सत्कारयोग वाडा वीर गुरशरण जो क्लासमेट ने साढ़े वीर बंटू के ला उन्होंने भी वाडा धनबाद आखिरी भी 100 रुपया बग्गू रमाने वाले शरदे के लिए अगले मैच लावे लाओ खेल मैदान कहने वैरोट वाला आंदा धूड़ा पड़ता पॉइंट जरा धावी का खेल मैदान देख ला भी इसलिए लाओ खेल मैदान देख ला भी कीपा भलूर का लाओ बाद कबड्डी जी पा दी मेरी वीरे अज नानके पिंड कहते भी खेलन दे पुजे कीपे होनी तोते वर्गे और उधले पासे पॉइंट जरा धावी का मैच की समाप्ति आदि भलूर की टीम जी जेतू रही है भलूर इस मुकाबले जेतू आ पहला सैमीफाइनल मुकाबला जिहड़ा होना मचाकी मल सिंह वाला ते दद्दू रमाणा दोनों टीम खेड ग्राउंड दे उत्ते पुज्जिया ने दोनों टीम सोनी भाऊ पिपली ते जसवीर लंबड़दार पिपली आखदे भी लगातार पंज ला गई कौन मचाकी वाले मचाकी वाले ज्ञानी जानी के गुरमीत चेत सिंह वाले जेड़ा भी जाफी जफा लाऊगा 100 रुपया स्पेशल जरा मान सम्मान होगा सोनी भाऊ पिपली और जसवीर सिंह जी लंबड़दार पिपली विक्की हरीके कला का जिन्हें भी जफे लावेगा तो मामा जी वालों उन्हें 100 के नोट हो गए विक्की हरीके कला के लिए सो वड्डा धन्नवाद है इधर लंगर कमेटी आखिरी भी समय देखते हुए नून आले चौल बनाए है तो नून आले चौल छक लो जी उधर लंगर कमेटी का जोड़ा लंगर चल रहा है उन्होंने भी धन्यवाद है कहते सारी दिहाड़ी मिठा चल हम टाइम जरा करारे वाला है तो उन्होंने नून आले चौल बनाते हैं बहुत धन्यवाद है जल्दी जरा मैच स्टार्ट कराओ जी सैमीफाइनल मुकाबला दग्गू रमाणा वर्सेज मचाकी मल सिंह वाला
पहली रेड इस वे खेल मैदान देख ला भी इस वे गुरमीत चेत सिंह वाले की धरती का उधरले पासे कहने भी गुरशर देख ला भी एक पासे जी शर बद्दुर मारे का जफा लाता मास्टर आत्मा सिंह जी मास्टर बलविंदर सिंह जी उन्होंने सपुत्र रुपिंदर वालों मेरी भी 100-100 रुपया वाला मान होगा उधरले पासे कहने भी हरी के कलां वाला लो देख ला भी एक पासे विकी ट्राई करता पर पॉइंट गुरमीत चेत सिंह वाले की धरती का अज मचाकी का पुत बन खेलता इधर लंबड़दार आखला भी पिपली वाला सोंदी भाऊ आखला भी जेड़ा भी जाफिया जफा लावेगा तो 100 रुपए का वड्डा मान होगा चल भी गभरू पा भी कबड्डी दो पे की धरती का संदीप मेरी वीडियो नंग लंबिया ने संदीप का सरनामी कहते दड़बे के संदीप का सरनामी है महमद बाल के संदीप का सरनामी है दुनिया का स्टार खिलाड़ी इसलिए देखना भी दोबे वाला अंक अपनी टीम के हिस्से जोड़ा नौ खेल मैदान देखना भी इसलिए अगला धावा नीता मचाकी की धरती का रज के कबड्डी पा नफे है पलोर वर्ष जिंदगढ़ सैकंड सैमीफाइनल मैच जो खेडा जाना जल्दी टीम है मेरी वीरों खेड ग्राउंड के नेड़े आ जाए उधर शर्रे ने ला जफा मेरी वीरों अंक का वाधा किया मास्टर आत्मा सिंह जी पिपली मास्टर बलविंदर सिंह जी पिपली और उन्होंने रुपिंदर बंटू साढ़ा वीर इस आई मोगा के प्रधान 100 रुपये सजाफी दे चल भी गभरू पा भी कबड्डी उधरले पासे देख ला भी भारा जहा शरीर कहने भी धर्मिंदर है नाम पूरा जट का हाथ ला के पाले वाल जाता धूड़ा पटना इसलिए धर्मिंदर की कबड्डी जी पै चुकी है सतनाम का छोटा वीर बाबे नर सिंह का छोटा पोत्र है मेरी वीरियो इस वे वध के कबड्डी पाता हुआ धर्मिंदर साहब 30 सैकंड का समा बहुते पल बीते ने थोड़े बाकी आ उधरले पासे देख ला भी धर्मिंदर जेड़ा भी जाफी जफा लावेगा गुरदित सिंह जी सरपंच वालों 100 रुपए का वड्डा मान होगा जेड़ा भी जाफी इस रेटर जफा लावेगा गुरदित सिंह जी सरपंच साहब आखिर भी उस जाफी के लिए मेरी वीरो 100 रुपए का वड्डा मान होगा जगसीदार उथे नाल ही साडा वीर सोनी भाऊ पिपली मास्टर आत्मा पिपली तो उथे नाल ही मास्टर बलविंदर सिंह जी रुपिंदर वंटू वड्डे मान आखते भी जे शरना डगुर माने वाला जफा लावे गता चल भी गभरू पा भी कबड्डी इसलिए मीते भी कबड्डी की धरती के कंते वेल्ड होना की खेड का वारस नीता मचाकी वाला वध के कबड्डी पा नफे है उधर शर्रा मैं भी शर्रा तेरी खेड दे कहते भी मरीद बैठे इस ग्राउंड के दायरे से ला भी चुभ रहा चंगा जहा जफा उधरले पासे रख धन उत्ते हथ कहते भी शर्रे डगुर माने वाले ने ला दिता जफा मार दो ताड़िया मेरी वीरे पॉइंट जरा जाफी का उधर मास्टर आत्मा सिंह जी मास्टर बलविंदर सिंह जी और रुपिंदर बंटू आखना भी मेरा क्लास फैलो है मेरा क्लास मीटर है गुरशन सिंह शरना और वे माण करता अपने क्लास फैलो दे रुपिंदर बंटू साढ़ा वीर विसवाई मोगा के प्रधान उधरले पास कहने भी दोते वाले संदीप की कबड्डी आ खेल मैदान की देखना भी इस वे वध के कबड्डी पा हो विक्की दे मामे वालों 100 रुपया शरने डगूर माने वाले के लिए आ वड्डा धन्नवाद है विक्की दे मामा जी वालों उधर साडे वीर टेलर विक्की जैनी इलैक्ट्रीशियन बंटी शर्मा और शांतु कबड्डी खिलाड़ी गोपी शरने के लिए 500 रुपया चमकौर पक्षी वाले वालों वड्डा माण है शरने के लिए 500 का वड्डा माण है आखते भी अगले साल मेरी वीर शानदार वड्डे मान सम्मान किए जाएंगे बगीचे इंदगढ़ अगले साल मेरी वीर इन्होंने वीर वालों स्पैशल जरा मान सम्मान दिता जा उत्थे नाल ही संदीप सिंह टेंट हाउस वाले सोना हलवाई इन सारे वीर वालों अगले साल बगीचे इंदगढ़ वाशिंग मशीन के नाल वड्डा मान सम्मान दिता जाएगा उधरले पासे देख ला भी नहीं जफा ला सकिया पॉइंट जरा धावी के हिस्से आ लो कौर सिंह चक सिंह जी वालों जरा स्पैशल प्राइज जरा इधरले पासे मेरी वीर शरने डगुर माने के लिए
जौने गिल वालों 100 रुपये धर्मिंदर के लिए वड्डे मान सम्मान जिहड़े पहुंचे ने। निम्मे टेलर की गड्डी की चाबी डिगी जी किसी ने लभी होगी तो प्लीज वो साडे कोल पहुंची कर दें। चल भी मीता ला खेड़ मैदान देखना भी एक पासे नौजन मीता मचाकी की धरती का एक रौंते का मीता दुनिया का स्टार खिलाड़ी होया। इधरले पासे देखना भी फिर वहां भी जी कबड्डी पा दी है मीता मचाकी वाला। उधरले पासे कहते भी अगर दग्गू रवाने वाले ने कहते बड़े फैन इस ग्राउंड के दायरे से मैं देखना। एक पासे कहते भी नौजन सेवक अगले साल मेरी भी पिपली के कबड्डी खेल मेले के उपर डग्गू रमाने वाले शरणे के भी वड्डे मान सम्मान होणगे। संत बाबा राम स्वरूप स्पोर्ट्स क्लब पिपली वालों डग्गू रमाने वाले शरणे के लिए वड्डा मान सम्मान दिता। मेरी भी अज इन्हां खेतां के उपर ऐलान किया मास्टर आत्मा सिंह जी मास्टर बलविंदर सिंह जी उन्होंने भी डग्गू रमाने वाले शरणे को अगले साल कहते भी पिपली दिया खेड ग्राउंडा वड्डे मान दिते जाणगे। अगले साल इसे ग्राउंड कहते बगीचे इंदगढ़ का वाशिंग मशीन के नाल वड्डा मान होगा वो गुरमीत चेत सिंह वाले की धरती का। अगला फिर वध्या नौजवान केसा धारी गभरू है सरदार भोला सिंह का सुपुत्र मेरी दो कि पिता पर पूत नसल पर घोड़ा बाता नहीं था थोड़ा थोड़ा विक्की का मामा अखला भी वड्डे मान कर रहे हैं। इधरले पासे हरी के कला वाले का मामा है आखला भी वड्डे मान है इस नौजवान जाफी के लिए। मरोड़ता माघ की गंदल वनू मैं भी सोने भाऊ तो जगसीर लंबरदार कर लो 100-100 बड़ा धन्यवाद है चाबी मिल गई यदि गड्डी की निम्मा पक्की स्टेज प्राप्त कर लवे। बारो कोई भी वीर जरा विसल ना मारो बाद चे ना हो सारी उम्र विसल ही मार देना। कोई भी वीर विसल ना मारो बारो क्योंकि मैच बहुत तकड़ा आ डग्गू रमाणा शरण अपने रुपए मेरे को लै जाए। बिले दोते वाले वालों संदीप को 500 रुपया ऐलान होया उसे तो फड़ लेवे। बड़ा धन्यवाद है चमकौर सिंह जी पक्षी 1500 रुपये डग्गू रमाने वाले शरणे के लिए वड्डा मान सम्मान है। जोर दा तालियां मार दो जी इन्होंने 1500 रुपये डग्गू रमाने वाले शरणे के लिए और नाल ही इंदगढ़ वर्सेज पलूर जल्दी के नाल इंदगढ़ वर्सेज पलूर दी टीम सैकंड सैमीफाइनल मुकाबले के लिए खेड ग्राउंड के पहुंच जाने। इंदगढ़ वर्सेज पलूर दी टीम वड्डा धन्यवाद है जगत सिंह जी सुल्तान साहब उन्होंने उत्ते पहुंचते जी आए आखते हैं। सो जल्दी के नाल पलूर वर्सेज इंदगढ़ उस तो बाद फाइनल मुकाबले जिहड़ा होना मेरी वीरो कबड्डी 75 किलो भार वर्ग का दोनों टीम अपने आप को तैयार करके खेड ग्राउंड के नेड़े आ जाए। 75 किलो भार का जो फाइनल मुकाबला होगा दोनों टीम अपने आप को वार्म अप रखना अगले मैच के लिए। जल्दी के नाल दोनों टीम जिहड़ियां खेड ग्राउंड दे पहुंच जाण। पलूर वर्सेज इंदगढ़ पलूर वर्सेज इंदगढ़
इस तो बाद फाइनल मुकाबला जो 75 किलो भार का होना वह भी टीम अपने आप को वार्म अप करके ग्राउंड के आ जाए। साढ़े बंबी सेवादार ने जी बेनती की भी जल्दी टीम है जी ग्राउंड च आ जाए। जल्दी के नाल सैकेंड सैमीफाइनल मैच इंदगढ़ वर्सज पलूर खेड ग्राउंड च आ जाने। इंदगढ़ वर्सज पलूर फाइनल मैच कबड्डी 75 किलो भार वर्ग का दोनों टीम अपने आप को तैयार करके ग्राउंड च आ जाने। खारा वर्सज हसन पट्टी साडा बूंदी सेवादार आखदा भी सौं पवा के मैच लवाना रलना नहीं चाहिए मैच। जल्दी दोनों टीम ग्राउंड चाहती इंदगढ़ वर्सज पलूर जल्दी के नाल दोनों टीम ग्राउंड च आ जाने। पलूर वर्सज इंदगढ़ पलूर वर्सज इंदगढ़ दी दोनों टीम जल्दी ग्राउंड च आ जाने। पलूर वर्सज इंदगढ़ फाइनल मैच कबड्डी 75 किलो भार वर्ग भी टीम ग्राउंड च आ जाए। हेलो प्रबंधक आखते भी जे नहीं आदि टीम फिर असी कोई डिसीजन ले लिए। जे नहीं आदि टीम समय नाल फिर प्रबंधक अपना कोई डिसीजन लैन जा रहे हैं। लास्ट एक मिनट की कॉल है दोनों टीम इंदगढ़ पलूर ग्राउंड के आ जाए। उस तो बाद फाइनल मैच है खारे वाले आ जाओ जल्दी ग्राउंड च हसन पट्टी खारा
उधर असीं बहुत धन्नवादी हैं सिमरजीत सिंह जी उन्हां दे जिन्हां ने अगले साल के कबड्डी खेड मेले वास्ते पूरे 61,000 रुपए का वड्डा योगदान पाया। उत्थे नाल ही सरदेव सिंह जी साबका प्रधान पप्पू पटवारी जी जिन्हां वल्लों मेरी वीरे 25,000 रुपया अगले साल दीआं खेडां दे लई वड्डे योगदान होणगे। रचन सिंह जी 15,000 रुपया उत्थे नाल ही पप्पू गिल 15,000 रुपया जरनैल सिंह गिल 15,000 रुपया बूंबी गिल 15,000 रुपया पेंटा बराड 15,000 रुपया सुखदेव सिंह जी 15,000 रुपया बुगना गिल 16,000 रुपया गोरा सिंह सानफ इंद्रजीत सिंह 15,000 रुपये इन्हों वालों अगले साल के टूरनामेंट वास्ते होगा। गुरा बराड़ उन्होंने वालों 15,000 रुपये अगले टूरनामेंट के वास्ते आ। साढ़े मौजूदा सरपंच सरदार गुरा गुप्ता सिंह जी उन्होंने वालों 22,000 रुपये अगले साल के टूरनामेंट वास्ते होगा। उसके नाल ही हरजीत सिंह यूपीएल जो मेरे नाल खड़ा है 7,100 रुपये इन्होंने वालों अगले साल के टूरनामेंट वास्ते सहयोग आ। पप्पी मिस्त्री वालों 5,100 रुपया सुखप्रीत सिंह जी टाटा इन्हों वालों 5,100 रुपया जबरजंग सिंह जी पंजाब पुलिस 5,100 रुपया महेंद्र सिंह जी 7,100 रुपया उत्थे नाल ही नछत्र सिंह जी गिल वालों 5,100 रुपया पप्पा समरा जिन्हों वालों 3,100 रुपया नगद सानू जिहड़ा अगले टूरनामेंट का पहुंच चुकया। संदीप हनी गिल 51,100 रुपया अगले टूरनामेंट वास्ते धीरा बराड़ 51,100 रुपया अगले टूरनामेंट वास्ते सहयोग जिहड़ा अनाउंस कराउंदे आ। शमशेर सिंह जी बराड़ 51,100 रुपया गीता मिस्त्री 3,100 रुपया शिंदा फौजी सन ऑफ बिंदर सिंह इन्हों वालों 51,100 रुपया चमकौर सिंह जी 7,100 रुपया गुरबिंदर सिंह जी गिल 51,100 रुपया जाना गिल इन्हों वालों भी 3,100 रुपया महेंद्र समरा 3,100 रुपया सोना हलवाई प्लस विक्की टेलर प्लस संदीप टेंट हाउस 8,000 रुपये अगले टूरनामेंट वास्ते होगा। लखा मैंबर 1,100 रुपया धनपात गिल वालों 2,100 रुपया लखा पंचायत मैंबर 1,100 रुपया सुखपाल सिंह पाला आखदा भी अगले साल 21,000 रुपये जिहड़ा सहयोग देवांगे। इन्हां नूं बड़ा धन्नवाद है। काला मिस्त्री 6,100 रुपया अगले साल दीआं खेडां दे लई विशेष योगदान होणगे। और साडे जो प्रवासी वीर उधर नैट दे जरिए जुड़े हुए है उन्हां नूं भी मेरी गुजारिश है भी उह भी अपना बंदा जिहड़ा अगले साल दा सहयोग अनाउंस करवा सकदे आ। साडे प्रधान जी उन्हां नूं फोन कॉल करके अपना बंदा जिहड़ा सहयोग दस सकते भी अगले साल एनआरआई वीर वालों कि सहयोग होगा। साडे प्रवासी वीर तक जो मेरी आवाज आ रही है तो उन्होंने भी बेनती भी एक फोन कॉल करके दसो कि अगले साल के टूरनामेंट वास्ते साडे एनआरआई वीर वालों कि सहयोग होगा। ऑफिशियल ग्राउंड जन सारे ऑफिशियल खेड ग्राउंड जन क्योंकि बहुत तकड़ा मैच खेडा जाना है। सैमीफाइनल मैच आ इस तो बाद जिहड़ा फाइनल मुकाबला होना है खारा वर्सेज हसन पत्ती ये भी टीम अपने आप को तैयार करके 75 किलो भार वर्ग दिया ग्राउंड पहुंच जाए। सैमीफाइनल मुकाबला इंदगढ़ वर्सेज फलोर टीमों का मैच मित्रो फस गई कुंडियां बाहर बैठे लोग गल करते भी टीम दोनों चंडिया कौन खिंचू गिटे पे कौन पाऊगा कबड्डी अज चुप चुप के जेद पत्तों के जान मित्रों ने अज जाने जित के एक इतिहासक मैच खेडा जाना मेरी वीरो। अज के इस दूसरे शानदार कबड्डी खेड मेले का दूसरा सैमीफाइनल मुकाबला शुरू होने जा रहा इंदगढ़ वर्सेज फलोर दीमां का बहुत ही तकड़ा मैच खेडा जाएगा अगले साल बगीचे इंदगढ़ का
ਇਸੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬਗੀਚੇ ਇੰਦਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਗੀਚੇ ਇੰਦਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। लो खेड मैदान साढ़े बारह तेरह पॉइंटों का मुकाबला खेडा जाएगा। उधर जूड़ी पक्षी वाला ने रेडियो जो कबूतर की बारी के प्रसिद्ध है कबूतर उड़ाने और उधर सदे पर कहने भी गोलू साडा वीर गगड़े वाला विशेष तौर पर खेल रहा। गूढ़ी वीर का भी असं धन्यवाद करा जे फालतू सज्जन है ग्राउंड चो बाहर चले जा बूटा कबड्डी खिलाड़ी बंटी शर्मा हरजीत यूपीएल जीता फोरमैन ज्ञानी फोरमैन सोना हलवाई संदीप टेंट हाउस तो विक्की टेलर होना वालों बगीचे इंदगढ़ में वाशिंग मशीन के नाल मान सम्मान दिए जाएंगे। वड्डा धन्यवाद इन्होंने सारे सत्कार के योग वीरां दा। बुगना गेला आखला भी पहली रेड के उपर 100 रुपया लग गया और आखला लगातार जो पलूर का रेडर जाफी दो जफे लगातार लावेगा 1000 रुपया और सुखदेव सिंह जी पप्पू पटवारी भी आखले जेड़ा भी खिलाड़ी लगातार दो जफे पलूर वाला लावेगा 1000 रुपया जेड़े जाफी ने जफा लाता वो 100 रुपया होगा मेरी वीरो पर नहीं लगे पॉइंट भाभी का लो देख ली इधले पास अगली कबड्डी महेंद्र सिंह सन ऑफ आनंद सिंह गिल अगले टूरनामेंट के वास्ते मेरी वीरो 7100 रुपये जोड़ा अनाउंस करवाए उधरले पासे कहने वैरो कहती धरती से काले की कबड्डी जी पई हुई है सिक्खी स्वरूप है मेरी वीरो कहने भी रूपा इंदगढ़ की धरती का पद गिल गिल ने ट्राई की मेरी वीरो इन गिल आखते हैं इंदगढ़ी है दुनिया का स्टार खिलाड़ी बनना लोचदा उधर बगीचे इंदगढ़ी वाशिंग मशीन के नाल अगले साल वड्डे मान हो गए। मैं एक पास देख ला भी पानी जरा जाति के हिस्से भी जा जुड़े लाइनमैन मेरी बेनती भी दोनों पास की गल है भी रैफरी क्यों लो खेल मैदान देख लो भी गोलू मेरी वीरो कहते भी अब पक्की वाले के सदे पर खेलता होया 6 मोटरसाइकलों के जेतू कगड़े वाला गोलू आ धूना पतला एक पास देख लो भी पलूर वाला तोता ते गोलू इको जहा जोर इको जे कद कि जोर ते जवानी होंगी उम्र की खेड जी ये हों रोसाना वाला भेड़ जी ये हों रोसाना वाला भेड़ जी जूड़ी कबूतर वाला गोलू के लिए 100 रुपए का वड्डा मान भेजता कहते जिते मेरी वीर जूड़ी कबूतर वाले जो सदे से खेल रहे अब गोलू लो खेल मैदान की पाई हुई कबड्डी बंटी शर्मा आखला भी अगले साल वाशिंग मशीन के नाल वड्डे मान कर रहे मेरी वीर बगीचे इंदगढ़ के इधरले पासे कहते भी कीते पलूर वाले की कबड्डी है ला बगीचे जफा अगले साल वड्डे मान हो गए नौजवाना उधरले पासे कीपा हल्की डौ दिती और पॉइंट जरा धावी का अंक जरा रेडर का लाओ खेल मैदान देख ला भी उसले अगला धावा वाधा होया इधरले पासे पाई हुई कबड्डी खेल मैदान गुरी तलेर पिंड वाला मेरी वीडियो पॉइंट अपनी टीम के हिस्से जोड़ता होया वैसे इना रास्ता है नहीं जिन्ना आप रौला पाई जाने बैलो जेडे ड्यूटी नहीं ग्राउंड चो साइड से उठे बैठा लो खेल मैदान वैरोका वाले की फिर पाई हुई कबड्डी आ उधरले पासे देख ला भी बगीचा नाल मेरी वीरो गिल गिल दे नाल कहिंदे शिंदा शिंदे नाल रूपा किहड़ा जाफी हुण रूपे ने ट्राई की आ पर पॉइंट मेरी वीरो वैरोका वाला काला इसलिए पलूर की टीम के हिस्से जोड़ता हो
ਪਲੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਗਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀਰੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਮੇਜਰ ਪਲੂਰ ਜਿਹਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਲਓ ਪਲੂਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਮੇਰੀ ਵੀਰੇ ਮੇਜਰ ਪਲੂਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਹੋਏ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਸੰਤ ਪਲੂਰ ਵਾਲਾ ਗੁਰੀ ਧਲੇਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਓ ਟੱਕਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੇੜ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਵੀਰੇ ਅੱਜ ਪੱਕੀ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਭੂਆ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਵੀਰੋ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ 1100 ਰੁਪਇਆ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਭੂਆ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ 1100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬੋਲੂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਕਬੱਡੀ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਫੌਜੀ ਗਗੜੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਕਿ ਪਿਤਾ ਪਰ ਪੂਤ ਨਸਲ ਪਰ ਘੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨੀ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਿਤਾ ਪਰ ਪੂਤ ਨਸਲ ਪਰ ਘੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨੀ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਆ ਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਲੈ ਵੀ ਗੋਲੂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਚੱਲ ਵੀ ਗੱਭਰੂ ਪਾ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਲਓ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਧਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਰੋਟਾ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਉਣਾ ਮੇਰੀ ਵੀਰੇ 75 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਵਰਗ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਭੋਜਨ ਹਸਨ ਪੱਟੀ ਔਰ ਖਾਰਾ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰਮ ਅਪ ਕਰ ਲੈਣ ਲਓ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਵੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਪਾਲ ਲਵੋਟੀ ਉਤਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੀ ਟਾਂਡੀ ਵਾਲਾ ਫਿੱਡੂ ਰੋਕ ਕੇ ਚੜੀ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ ਕੱਪ ਟਰੰਟੋ ਵਾਲਾ ਐਵੇਂ ਨੀ ਜੇ ਰੈਲ ਕਾਉਂਦਾ ਗਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਗੀਚੇ ਇੰਦਗੜ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਟੱਚ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ ਆਫ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਲ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ 1100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਲਓ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਧਰੇਰ ਵੱਧ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਏ ਸੋਹਣੇ ਹਮਲੇ ਬੋਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬਗੀਚੇ ਇੰਦਗੜ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੋਦੇ ਵਾਲਾ ਪੂਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਢਾਵੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੁੜਿਆ ਆ ਵੀ ਜਵਾਨਾ ਪਾਵੀ ਕਬੱਡੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਲੂਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੱਧ ਕਬੱਡੀ ਪਾਵੇਗਾ ਨਾ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੈਨ ਇੱਕ ਕੰਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਾ ਵੀ ਸ਼ਿੰਦਾ ਚਿੱਟੇ ਕੱਛੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵੀਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੂਪਾ ਰੂਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਗੀਚਾ 7100 ਰੁਪਇਆ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ ਆਫ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣਗੇ 7100 ਰੁਪਇਆ ਰੈਫਰੀ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਮ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੱਲ ਵੀ ਗੱਭਰੂ ਪਾ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੋਲੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਗਲਾ ਧਾਵਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਲੇਵਾਲਾ ਅਗਲੇ ਵਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਲੇਵਾਲਾ ਪੱਖੀ ਵਾਲਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ 11000 ਰੁਪਏ ਆਵੇਗਾ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ ਮਾਲੇ ਵਾਲੇ ਵੱਜਦੇ ਆ ਪੱਖੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਵੀਰੇ 11000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਲਓ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਕਾਲਾ ਵੱਧ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੱਫਾ ਲਾਓ ਜਾਫੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬਗੀਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਲੱਗਾ ਨੋਟ ਆ ਜੇ ਜੱਫਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਸ ਜਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਖਦੇ ਵੀ 22000 ਰੁਪਏ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਹੋਣਗੇ ਲਓ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਓ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਟਰਾਈ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਧਾਵੀ ਦਾ ਅੰਕ ਰੇਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜੁੜਿਆ ਬਰਜ ਮਸਤਾ ਦੀ 11 ਤੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਵੀਰੋ ਕਬੱਡੀ 58 ਕਿਲੋ
65 किलो कबड्डी ओपन के मुकाबले होंगे पिंड बुरज मस्ता 11-12 तरीक होगी। खुले सदे ने सारिया टीमों के लिए 56 कबड्डी 65 ते कबड्डी ओपन के लिए। उधरले पासे फिर देख ला मैं नागन कीपा भलूर का एक पासे जांदा धूड़ा पड़ता नागन अंक धावी के हिस्से आ भी गभरू पा भी कबड्डी के बाद सोहनी खेड कबड्डी की बहुत तकड़ा मुकाबला जा रहा है। सैमीफाइनल मुकाबला मेरी वीरो दोनों टीमों के विचकार एक फाजमा मुकाबला के दो ही गली मुकाबले उन्होंने गजन सूरी चार याफे की लगी चैन देखना भी बगीचे इंदगढ़ के बल की हुई कोशिश है। एक पासे कीपा भलूर का एक कबड्डी अकैडमी के लिए खेलते मेरी वीरो हरजीत फ्रेंड्स कबड्डी अकैडमी के लिए कहते जिते कीपा भलूर वाला कबड्डिया पाला उत्थे बगीचा इंदगढ़ वाला जफे लाउंदा लखेण मैदान इस वे जसवंत फौजी का सपुत्र इस वे जूड़ी के सदे से खेलता है मेरी वीरो कहते अब कबूतर वाला पक्षी वाला जूड़ी विशेष तौर पर इस नौजवान को लैके पुजा इस वे गोलू की कबड्डी खेल मैदान उधरले पासे अमनदीप भोड़ा मेरी वीरो दुद्ध की धरती का लै भी दुद्ध लिया लग जू पता भी हम कौन किन्ने पानी के बचा एक पासे गोलू आ एक पासे अमन आओ देख ला भी गोलू अंक अपनी टीम के हिस्से जोड़ता हो चल भी गभरू पा भी कबड्डी खेड मैदान अगली रेड वैरोकन की धरती का कहते नंजी की खेड के वारसा की गल है। इधरले पासे नवदन वाधा होया वैरोकन की धरती का आप देखने भी जिते धाना वैरोकन का खेड प्रमोटर मेरी वीरो बिगू होनी कनेडा की या वसे इन्हों खिडारियों वीडी देन है धाना वैरोकन वाला ना इस वे पाई हुई कबड्डी आ जिते मेरी वीरो वैरोकन की धरती से आए साल धाने वैरोकन होनी गगू होनी कहते भी शानदार कबड्डी का कप करवाते ना उधरले पासे कहते बगीचा इंदगढ़ का नहीं जफा ला सका पॉइंट धावी के हिस्से की बचा जुड़िया है अंक रेडर के हिस्से चल भी शकीना पा भी कबड्डी फिर अगला धावा कहते भी धनौर वाले नवदन का मैदान वध्या होया बुरी नाम है धनौर पिंड का पाई हुई कबड्डी आ बह जाओ मेरे वीर जिन्हों की कोई ड्यूटी नहीं वह बह जा बल्ले बल्ले हुटी गभरू दलेर की टालना पांडा में विकती कबड्डी शेर की उधर कीपा भलोर का ना जफा अपनी टीम के लिए अंक का वाधा करता हो ही उस अगला मैच जरा फाइनल मुकाबला कबड्डी 75 भार वर्ग का खेलिया जाना दोनों टीम जल्दी खेड ग्राउंड के नजदीक आ जाए अगले मैच के लिए खारा वर्सज हसन पट्टी फाइनल मुकाबला दोनों टीम वार्म अप हो जाए ला इधरले पासे देख ला भी डबल टच और पॉइंट जरा धावी का अंक रेडर के हिस्से है आ भी शकीन पा भी कबड्डी ला गोलू इसलिए अगला धावा खेल मैदान कि पंजा दरियावा इस धरती से जा पानी है तो जाल बनिया इस धरती की तुख विचों मैं जमया सोना उग दी है इतों की जमीन डटीए नीमा पुत हाँ पंजाब का शकीन डटीए नीमा पुत हाँ पंजाब का शकीन डटीए गोलू की कबड्डी आ ला थोड़ा साइड तो हो जाओ मेरी वीर इधर दुर्दे वाला तोता कीपा जा फिर बसंत ला बसंत भलूर वाले ने की हुई ट्राई मेरी वीर दोनों खिलाड़ी एक पास जूझते हुए कि महाबली रन जूझते बहुत ने तलवारा उस डांडे के हाथ होंगे जितता ते हर उस डांडे के हाथ होंगे जितता ते हर जश्न मनाइए जित ना हारो डरिए उच्चा बोल ना बोली दी करतारो डरिए बंटी गिल बंटी शर्मा ते जौना गिल 200 रुपया बगीचे इंदगढ़ दे लई स्पेशल प्राइज भेजते ने बगीचे इंदगढ़ दे लई 200 रुपया मलकीर सिंह जी फौजी वालों अगले साल के टूरनामेंट के लिए मेरी वीरों 600 रुपए का बड़ा योगदान होगा। मलकीर सिंह जी फौजी आखना भी अगले टूरनामेंट के लिए 600 रुपए का बड़ा योगदान होगा। लाओ खेल मैदान कहले भी आओ बगीचा इंदगढ़ बंटी शर्मा होना के दिल में लग्या कहले जौन होना के दिल में लग्या मेरी वीरों आ नौजवान पॉइंट जो धावी का अंक रेडर उधरले पासे देख ला भी फिर धनौर पिंड वाला वल पाई हुई कबड्डी खेल मैदान गुड़ी उच्चे कद लाओ वध विश के पाई हुई रेड दोनों बाहों खिला रहा होया उधर पुठी कैंची आ कहते रब किसी को पुठी ना पावे पर जब कैंची पुठी पै जाती तो मेरी वीरों जफा लग जाता खेल मैदान के अंदर अमनदीप घोड़ा दुद्दे वाला बहुत सोने ट्राई की आ मार दो तारियां लग गया जफा धावी गया डकिया चढ़ गया नशे जी ने सारे कुछ तकिया लग गया जफा धावी गया डकिया वाने जी सा बहुत तकड़ा मुकाबला दोनों ਥੱਲੇ ਹੋਈ
लो खेल मैदान देख ला इस वे रीसा बराबर की भाजी मुड़ती है मेरी भी गिल इनू गिल आखते हैं ला जफ अपनी टीम के लिए अंक का वाधा करता है इंदगर की धरती का उधर भलूर वाले डक एक पासे देख ला भी पॉइंट कॉमन कर दी कोशिश भलूर वाला और देख ला भी कौर सिंह का की इशारा आएगा ला लगा हज मैच की समाप्ति आ मैच की समाप्ति बारह पॉइंट रहे ने भलूर दे बारह पॉइंट रहे हैं भलूर दे और साढ़े बारह पॉइंट रहे ने इंदगढ़ दे ताड़ियां मार दो यार जोरा ताड़ियां मार दो बारह से साढ़े बारह के फर्क ने नाल इंदगढ़ की टीम जी फाइनल।